अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस्लिज़म के साथ मैं हूं शेर अफजल। आप लोगों ने मेरे ट्यूटोरियल्स देखे होंगे ग्राफिक डिज़ाइनिंग के ऊपर और वीडियो एडिटिंग के ऊपर। अगर आपने डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है, वीडियो एडिटिंग सीखनी है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखनी है, फ्रीलांसिंग सीखनी है, तो आप इस्लिज़म के यूट्यूब चैनल से बिल्कुल फ्री सीख सकते हो। अच्छा, तो ये सारे कोर्सेस एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड कैसे हैं? देखो, अगर आप डिजिटल मार्केटर बनते हो तो आपको कॉन्टेंट जनरेट करना पड़ेगा, कंटेंट मेकिंग की तरफ आना पड़ेगा। कंटेंट दो फॉर्म में होते हैं, एक स्टैटिक ग्राफिक्स होता है, एक वीडियो फॉर्म में जो डायनेमिक होता है। तो आपने फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, लिंक्डइन में वगैरह में आपने एड्स और स्पॉन्सर्ड पोस्ट देखी होंगी जहाँ पे आपको डिफरेंट कॉन्टेंट नज़र आता है। वो बेसिकली ग्राफिक डिज़ाइनर या वीडियो एडिटर ही बनाता है। अगर आप सिर्फ एक नीश को सिलेक्ट करोगे जैसे ग्राफिक डिज़ाइनर, तो लोग आपको काम कम देंगे। आजकल लोगों को मतलब हेजीनेस से ये लोग जो है ना थोड़ा दूर भागते हैं आपके जो क्लाइंट है। क्यों? अगर उसको आपको वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग का काम देगा, किसी और को वीडियो एडिटिंग का देगा और तीसरे बंदे को डिजिटल मार्केटिंग का देगा, तो इन तीनों की जो सिंक्रोनाइजेशन है वो भी नहीं होती है। इसीलिए इन ये सारे कोर्सेज को आपने सीखना लाजमी है। सीखोगे, अपने स्किल्स को इम्प्रूव करोगे, तो ये सारे काम अगर खुद करोगे तो आप मार्केट से बिल्कुल डिफरेंट होंगे और आपको ये सारे काम में अगर एक्सपर्टीज हासिल होंगे तो आपको काम ज़्यादा मिलेगा। इसीलिए मैंने खुद भी सबसे पहले मैंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग से शुरू की, देन मैं वीडियो एडिटिंग की तरफ गया और इसके अलावा फ्रीलांसिंग और ये सारी चीज़ों को लोगे एक कॉम्बो बना के मैं अभी आप लोगों के सामने भी प्रेजेंट कर रहा हूँ और अपनी अपने करियर में भी इस चीज़ को प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो उम्मीद है मेरा ये जो कॉन्सेप्ट है ये आप लोगों को पसंद आएगा और इसके अलावा इससे आप लोग मुस्तफीद भी होंगे। अगर इसके हवाले से मज़ीद कोई चीज़ें या कोई भी ऐसा मतलब क्यूरीज हो तो आप हमारे चैनल पे कांटेक्ट कर सकते हो। हमारे इनबॉक्स में, कमेंट बॉक्स में, कहीं पे भी आपको फिजिबल लगे आप हमें रीच आउट कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।